हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओवरजीरल। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिमांड भारतीय मार्केट में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारतीय विदेशी कंपनियां इस बढ़ते ट्रेंड में अपनी अपनी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी किफायती कीमत और बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते सभी भारतीय की पेरिशन बन चुकी है। भारत की इस इलेक्ट्रिक मार्केट में अभी एक जापानीज कंपनी का नाम बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है। इस कंपनी का नाम है ओकिनावा। ये कंपनी अपनी किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर के कारण भारत में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भारत में कौन सी है ओकिनावा कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। नंबर 1, ओकिनावा प्लेज प्रो। ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी ने भारत में सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी का ध्यान अपनी प्लेज प्रो की मदद से अपनी ओर खींचा था। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भारत में इसकी किफायती कीमत के कारण खूब पसंद किया गया है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 88 किलोमीटर की शानदार रेंज देखने को मिल जाती है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इसमें लगी 2.9 किलोवाट लिथियम बैटरी कार मिलती है। ओकिनावा कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक BLDC इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया है, जो कि अच्छी पावर और टॉर्क इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देती है। नंबर 2, ओकिनावा आई प्रेज। ओकिनावा की तरफ से आने वाली ओकिनावा आई प्रेज में आपको शानदार रेंज और दमदार पावर का अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में अपनी परफॉर्मेंस के कारण इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक बार चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 139 किलोमीटर की शानदार रेंज देती है। इतनी बड़ी रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.9 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक के कारण संभव हो पाई है। इसी के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक पावरफुल हब मोटर का प्रयोग किया गया है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 55 किलोमीटर की टॉप स्पीड देता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इतनी बढ़िया रेंज और पावरफुल परफॉर्मेंस के बाद भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भारतीय मार्केट में मात्र 1.7 लाख रुपये रखी गई है। नंबर 3, ओकिनावा OK19। ओकिनावा के लाइनअप में अभी तक आपको अच्छी रेंज और परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर और बढ़िया किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर दोनों ही देखने को मिल चुकी है। ओकिनावा द्वारा लॉन्च की गई इलेक्ट्रिक स्कूटर ओकिनावा OK19 इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप की सबसे ज़्यादा प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको शानदार रेंज, दमदार पावर, बढ़िया फीचर्स, आकर्षक डिजाइन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने एक 3.6 किलोवाट लिथियम बैटरी पैक का प्रयोग किया है, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 180 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल हुए पावरफुल मोटर के कारण यह इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ओकिनावा के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वो सभी शानदार फीचर देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस सेगमेंट के किसी भी अन्य प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्सोन कीमत 1.8 लाख रुपये है। तो फ्रेंड्स, आपको ओकिनावा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगता रहेगा? अगर आपकी वीडियो को लाइक ना भूलिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मिलता है आपको ऐसी बेहतरीन नई वीडियो में।